मैं इस वक्त पुराने अनारकली पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुझे ये भाई साहब मिले हैं, इनकी पंचर की दुकान है। तो इनकी क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है, आप इनसे खुद सुने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब क्या करते हैं? मैं अपने पंचरों का काम करती हूँ। तो दुकान बंद करवा दी? हाँ, दुकान इन्होंने बंद करवा दी, 3 दिन हो गए। ठीक है ना, 3 दिन पे हम सारे परेशान हुए हुए, घर पे रोटी पानी नहीं, तो ही राशन जो था इकट्ठा हुआ वही हम खा रहे हैं। तो मेरी वालदा, मेरे वाले सब बीमार है। ठीक है, हमें कोई रोटी छोटी का नहीं पूछ रहा। जिसके हम दुकान खोलते तो पुलिस वाले हमें आके मारते, बंद करो, ये करो, वो करो। ठीक है, तो सिर्फ इन्होंने कहा कि भाई पूरे 14 दिन तुमने काम नहीं करना। हमने पुलिस वालों को, हम 14 दिन कहाँ से खाएंगे, कोई हमें खिलाने वाला है? तो इन्होंने कहा था हम तुम्हें राशन वगैरह देंगे। हम राशन का भी चाहते हैं तो हमें राशन भी नहीं ये देते। ठीक है ना, आज 2-3 दिन हो गए मैं किसी से पानी से हम गुजारा कमाते हैं। रोज़ का वैसे मैं रोज़ का कमा लेता हूँ 700-800 रुपये कमा लेता हूँ। 700-800 रुपये? हाँ। अभी बेरोज़गार बैठे हुए? हाँ, बेरोज़गार बैठे हुए। वही हमने कल किसी से पैसे पकड़े तो रोटी पानी का किया हमने। हुकूमत ने किसी किस्म का राशन वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं दिया? राशन वगैरह क्या कुछ भी नहीं दिया। तो किराया कितना है आपके अड्डे का? मेरा किराया 4,000। फैमिली में कितने अफराद हैं? फैमिली में सिर्फ वाले साहब और मैं ही हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो बीमार है। बीमार है? वो बीमार है, वो काम नहीं कर रहे। मैं कल ही काम करता हूँ, ना मेरी बहन ना मेरा भाई है। ये सलीम साहब है, पुरानी अनारकली के बाहर जो मेन गेट है पुरानी अनारकली का, वो वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। उसके साथ ही बिल्कुल गोगा, नकीबिया, मुरचन और जामिया मस्जिद बिलाल, इसके अपोजिट बैठे हुए हैं। अगर कोई मुखय्यर हजरात है जो लोग खैरात की तरह सदका कर रहे हैं इन दिनों में, ख़ास तौर पर अगर उनको इंसानियत से मोहब्बत है, हुब्बुल वतनी दिखानी है, तो आज के दिन आप लोग आ जाएं, सलीम साहब की मदद कीजिए। पैसे देकर कर सकते हैं, पैसे देकर कर दें, इनको राशन दे सकते हैं, इनको खुराक दे सकते हैं, किसी भी तरीके से इनकी कर दें। ऐसे सलीम साहब ये एक नहीं है, कई और भी है, लेकिन कुछ लोग बात करते हैं। इनको मैंने खुद मजबूर किया, इन्होंने मुझसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कोई भीख नहीं मांगी। मैंने इनको महसूस हुआ कि ये अकेले बैठे हैं, परेशान हैं। इनके हाथ में एक ही पंचर का बस पंप था जो हवा भरने वाला, और पंचर लगाने के लिए एक आधी टेप पड़ी हुई थी। तो परेशान बैठे थे, मैं इनके पास आया, इनसे मैंने बातचीत की, इन्होंने अपनी रुदास सुनाई, आप लोगों ने सुन ली है। जो मुखय्यर हजरात इसको सुन रहे हैं, बराए करम प्लीज़ अनारकली, पुरानी अनारकली लाहौर, IG ऑफिस के साइड वाले से जब एंटर होंगे आप, तो जामिया मस्जिद बिलाल के बिल्कुल अपोजिट ये बाहर बैठे हुए हैं। इनको आप गौर से देख लें जी। नूरी मेडिकल एंड जनरल स्टोर है जामिया मस्जिद बिलाल के अपोजिट, गोगा चने वाला मशहूर यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके सामने ही ये बैठा हुआ है। आप इससे मिले, इसकी मदद करें। ऐसे कई सलीम बैठे हुए हैं, एक ये नहीं है। तो इन लोगों का प्लीज़ ख्याल रखें। हुकूमत अपने तौर पर इंतज़ाम कर रही है, करना चाह रही है, अगर हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो आप लोग इसका बाजू बने, इसके हमदर्द बने, इसके जो है सर पर हाथ रखें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से। अगर सलीम भाई का एड्रेस किसी को नहीं मिलता तो सलीम भाई अपना नंबर बताएं, आप क्या नंबर है आपका? 0311 4390 546 546। ये इनका नंबर है, यहाँ पर चल भी रहा है, आप लोगों ने सुन भी लिया। बाकी मैं अपना नंबर भी लिख रहा हूँ, अगर मुझे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं और आप लोग अगर डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं उनको पहुंचाऊंगा। अगर आपने ख़ुद पहुंचाना है तो मैं आपको उस बंदे का एड्रेस दे दूंगा। अगर आपके लिए इस वक्त घर से निकलना मुश्किल है, आप आइसोलेशन में हैं, आप बीमार हैं, आप महसूस करते हैं कि यार ये बीमारी मुझे लग सकती है, मेरी वजह से किसी और को ना लग जाए, तो आप इनके फ़ोन नंबर पर इनसे रابطہ करके इनको घर बुला लें। जो भी तरीका होगा, इन जैसों की मदद होनी चाहिए, ये हम पर अब फ़र्ज़ है। प्लीज़।